अस्सलामु अलैकुम खवातीन हज़रात, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। भाई कल रात आपके भाई के साथ ऐसे ऐसे बैड सीन हुए। सबसे पहला बैड सीन ये था कि पहली दफ़ा जिंदगी में पहली दफ़ा आपका भाई कल्लू परी में जा रहा था और पहली दफ़ा आपके भाई का चालान कट गया। मैंने बोला यार ये तो फर्स्ट टाइम है, चलो कोई बात नहीं, अल्लाह बेहतर करेगा, मैं जा रहा हूँ। उन्होंने शारे फैसल पे जब मोड़ आता है ना वापस के लिए, हम जाते हैं एक तो सदर की तरफ हम जा सकते हैं, एक हम ये फेरी रॉयल की तरफ जा सकते हैं, उस मोड़ पे खड़े हुए थे ट्रैफिक पुलिस, तो उन्होंने हमें रोका और उन्होंने कहा कि आप रुक जाइए। मैंने बोला जी सर, फरमाइए। उन्होंने कहा ये आपके ये ब्लैक शीशे हैं और आप सीट बेल्ट भी नहीं पहने हुए तो आपका चलान। मैंने बोला कि चलें ठीक है, फिर मैं गलती पे हूँ तो आप कर दें, कोई मसला नहीं, अल्लाह बेहतर करेगा। अब उन्होंने चलान तो कर दिया, उसके बाद उन्होंने ले लिया हमारा NIC। अब NIC ले लिया, हम गए, हमने बोला यार चलो ठीक है, हम जो काम करने जा रहे हैं हम वो काम करके वापस आएंगे तो चलान भर देंगे। काम तो हमारा निमट गया, हम वापस आए, हमने सोचा यार चलो अब चलान भर देते। हम गए चलान भरने के लिए तो वहां पे पता ये चला कि भाई वो तो जा चुके हैं जो चलान भरेंगे। मैंने कहा कुछ हो नहीं सकता, तो उन्होंने कहा नहीं फिर आप एक काम करें, आप ना सुबह आ जाए 10 बजे तक। चले खैर कोई बात नहीं, अल्लाह बेहतर करेगा, इंशाल्लाह हम चलान तो भर ही देंगे। लेकिन एक और बंड ये हुआ कि हम ट्रैफिक में जा रहे, एक सुजुकी वाले भाई साहब ने हमारे साइड मिरर को तोड़ दिया। अब साइड मिरर दिखाते हैं, लेकिन जब हम उतरे गाड़ी से तो उसका कवर गिरा था बस, तो मैंने सुजुकी वाले देखा, सुजुकी वाले ने मुझे देखा, बड़े गौर से एक दूसरे को हमने देखा और फिर मैंने उसके बाद बोला जाओ यार जाओ, ऐसे करके मैंने बोला। वो फौरन बैठा और निकल गया। मैंने बोला ये क्या मतलब, बंदा सॉरी कर ले कुछ कर ले? नहीं भाई, उसने बोला यार जैसे ही ये बोलेगा जाओ मैं वैसे ही निकल जाऊंगा। मैंने बोला चले कोई बात नहीं, अल्लाह बेहतर करेगा। भाई ये कवर था पूरा टूट के गिर गया था, लेकिन मैंने उसको दोबारा अटैच कर दिया, लेकिन यहाँ का जो इंडिकेटर है वो टूट चुका है, वो वहीं गिर गया था, पता नहीं मिला नहीं तो हमने छोड़ दिया। फिर हमने अपने मैकेनिक को बोला, उसने कहा खैर है बात भाई लग जाएगा यार, कोई मसले की बात नहीं। मैंने बोला बस ठीक है कोई मसला नहीं है। फिर आपने बन के अंदर ही अंडा डाल दिया बर्गर की तरह? नहीं नहीं, अब वो अंडे के साथ मैनीज कौन खाता है? क्या दे रही है, चाय दे रही है कॉफी दे रही है? अच्छा कॉफी है, सही है, फिर सही है, माशाल्लाह। कॉफी पी रहे थे लेकर आई थी ना? जी जी जी, माशाल्लाह 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 भाई माशाल्लाह। कॉफी कॉफी की बात अलग होती है। अभी ये दूध पत्ती अगर होती ना यहाँ पे तो सिर्फ दूध होता और दो तीन दाने पत्ती के होते, लेकिन कॉफी तो भाई प्रॉपर कॉफी बनती है। अब इसमें कोई हो ही नहीं सकता ना, जिसमें दूध होता है कॉफी डलती है बस। कॉफी है तुम्हारे मतलब की चीज नहीं है ये, तुम्हें दिया तो है सुबह चिकन, अब कॉफी भी पियोगे तुम? एक तो इनको भाई जो हम खा रहे हैं इनको वो खाना होता है, अल्लाह बेहतर करेगा, कोई मसला नहीं है, तुम दूध पत्ती पियो जाके। चलो भाई खैर आज हमें तबलीगी जमात वाली शूट पे भी जाना है और हमने बड़ा अच्छा पार्ट सोचा है, बड़ा ज़बरदस्त है और इस दफ़ा एक नया एक कॉन्सेप्ट है, तो इंशाल्लाह बहुत मज़ा आएगा इंशाल्लाह। अब ये जुगाड़े चेक करें, बर्गर का शेप देने के लिए अंडे में बन डाल दिए, जैसे हम पठान के होटल पे जाते हैं हम कहते हैं यार पिज़्ज़ा पराठा दे दो, तो अंडे पराठा और अंडा रख के ले आता, कहता है यही तो है पिज़्ज़ा पराठा, तो यहाँ पर यही तो है जिंगर बर्गर। चलो भाई फाइनली अब हम निकल रहे हैं तबलीगी जमात वाली वीडियो के लिए। ये मेरे पास एक रुमाल है, एक रुमाल मिशकात भाई के पास है, वो जो सर पे हमें पगड़ी पहननी है तो वो मिशकात भाई देंगे, तो बस खैर है कोई मसला नहीं, अल्लाह बेहतर करेगा। माशाल्लाह माशाल्लाह भाई आज बादल तो बड़े जबरदस्त आए हुए हैं, क्या बात है भाई, माशाल्लाह माशाल्लाह एकदम टूटे टूटे बादल हैं, टूटे 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 हुए सांस जैसे बादल, माशाल्लाह माशाल्लाह। इधर हो रहा है सन स्लैप आपके भाई के ऊपर। खैर भाई ये तबलीगी जमात का एक अलग आउटफिट होता है पूरा, एक ऊपर से नीचे तक मुझे जुब्बा पहनना होता है और फाद भाई को शलवार कमीज पहनना होता है, तो इस वजह से ये बिल्कुल संभाल के रखा जाता है। अभी पुराना वाला जो जुब्बा था जिसके कफ वफ में कुछ डिजाइन था वो तो हमने कहीं इधर उधर हो गया, अब ये दूसरा जुब्बा है जो हमने नाथ में यूज किया था, अब ये वही वाला जुब्बा हम चलाएंगे, सेम एज इट इज मेरे जैसा है। फेस कट, हां आंखें वाखें नाक और फेस, यही फेस है। इंस्टाग्राम पे तुम एक्शन नहीं मारते आंखें वाखें यूं यूं करके? हां यूं यूं करके एक्शन मारते हैं। इंस्टाग्राम पे देखा आपने उसको? तुर्किश भी है माशाल्लाह, मेरे जैसे तुर्किश मम्मा तुर्की में कहाँ होते मेरे जैसे, मतलब फेस कट आप कह रही हैं कि होते हैं तुर्की में भी होते हैं फेस कट? फेस कट होता है रंग गोरा का, अच्छा अच्छा, लेकिन ये शख्सियत तो उनकी जैसी होती है ना। सही बात है बिल्कुल, आप यहूदी पठान जैसे होते हैं। अरे आपने उसको देखा होगा पुष्पा, पुष्पा नहीं है जो दाढ़ी जिसकी बड़ी होती है, बाल बाल बड़े, वो तो नहीं है दाढ़ी बड़ी? नहीं बाल, नहीं बाल बड़े बड़े नहीं है। अच्छा अच्छा, मैं भी फिर आप कह रही है मैनर्स वाला बन जाऊँ, बाल बाल कटवाओ, मैं भी सोच रहा हूँ बड़े बाल रखूँ मम्मा। ये देखो ना तुम थोड़ा आंखों को यूं कर देंगे, ये तो फहद की तरह लग रहा है। नहीं नहीं फहद, फहद का भी फेस है। अच्छा अच्छा, लेकिन तुमने बाल इस तरह किए हैं ना ऐसे कर लो। ठीक है ठीक है जी जी, तो ये हीरोइन का ये ड्रामा, ये तुर्की ही है ये लड़की, सही है सही है जी जी, समझ गए ना, तुर्की से लड़की, लड़की ही तुर्की से, ठीक है जी जी, ये लोग बनाते हैं ड्रामा। हां सही बात, सोनू भाई फुल हबीबी सीन है, ऐसा लग रहा है पैसा लेके जा रहा हूं मैं, लग रहा है ना
कौन सा बैठा भाई अबे आप लस्टर लग रहे हो, भट्टे वाले भट्टे ले रहा हूँ। जैसी देखा अमीर आदमी फौरन आ गया भट्टा लेने। ये मेरा करेक्टर है भाई इस वीडियो में, गुटके ऐसा तो कोई नहीं। किसने बताया आपको? मेरे को पता है गुटके मावे, जब भी मैंने तालियां खा रहा हूँ। ऐसा कोई गुटके मावे वाला करेक्टर आपका नहीं? किसने बोला आपको? बट हाँ, आपका करेक्टर पता क्या है? आप करेक्टर ले दो और आप पिट रहे हो हमसे। ये वाला सीन है सर, ये देखो, पकड़ो इसको, पकड़ो इसको, मोबाइल मोबाइल ये देखो फुल लग रहा है अरबी। कहाँ लेके जा रहा हूँ ये देखो, ऐसे फुल शूट हो जाएगा मेरा, खतरनाक। सारी आवाम देख रही है, बोलिए भाई ये कौन आ गया। सहलन मरहबा। आवाम को पता लग रहा है। मरहबा मरहबा, उमरा करके आ रहा है बंदा। नहीं अबे ऐसी बात नहीं है, उमरा करके नहीं आ रहा हूँ, लेकिन अरबी बोलते हैं ताकि ऑडियंस को लगे कि मैं अभी अभी आया हूँ। कैफ हालुक बिहारी अरबी। कैफ हालुक ला खबर जमी ला अखी ला नस्वार औ काना व्हाट आई डोंट नो व्हाट आर यू सेइंग आई एम ओनली स्पीकिंग वेयर इज मिशकात भाई He is sleeping? Yes. Okay. बेहतरीन है माशाल्लाह। आज बोलना नहीं है भाई, कुछ मुस्कुराना है सिर्फ। जी जी फात भाई कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र। अबे बोलना नहीं है भाई, कैसे हैं फात भाई आप? जी जी भूल गए कैरेक्टर भी। अस्सलाम वालेकुम, बस डायरेक्ट जा रहे हैं हम भाई। ये मौलवी साहब हमें कह रहे हैं माशाल्लाह माशाल्लाह, तबलीग पे जा रहे हैं। बोले तबलीग पे जा रहे हैं ना, मेरी नाक को ले जाओ तबलीग पे। मेरी नाक को ले जाओ तबलीग पे, नाक दिखा रहे हो। आप जाओगे तो सभी जाएंगे ना, आपकी नाक भी जाएगा, आपका पेट भी जाएगा, मोटा पेट, और आप भी जाओगे। सही है हाँ, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। चलो आ जाओ, चलो 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 ना, चलो चलो। बिस्मिल्लाह सुनो भाई, बहुत दिनों बाद बना रहे हैं ना तबलीगी जमात पे, तो वो वाला एक्सेंट क्या था आपको पता है कुछ? कौन सा वो वाला? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, अभी मेरी भारी आवाज़ निकल ली, मतलब अस्सलाम वालेकुम खवातीन। नहीं नहीं अस्सलाम वालेकुम नहीं, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह व बरकातहू। आपकी और मेरी सारी रात सोया नहीं ना, इस वजह से आवाज़ भी थोड़ी भारी भारी हो रही है। रात भर क्या करते रहो? यार रात भर मैं एक काम कर रहा था, हमारा पेपर था आज। अच्छा। पेपर ही कैंसिल हो गया, क्या करें। अल्लाह बेहतर करेगा यार, आपकी गंदी जहनीत में समझ गया था, लेकिन देखे गंदी बात का अच्छा जवाब कैसे। मैंने दिया नहीं कुछ गंदी, मैंने बस पूछा था, पूछा नहीं था जिस तरीके से अंदाजे बयां बहुत कुछ कह देता है सर। छोड़े कोई बात नहीं, अल्लाह बेहतर करेगा। आजकल क्या मतलब है गंदी बातें क्यों कर रहा? मैंने कहा कि गंदी बात, जब आप पैदा हुए थे ना डॉक्टर ने बोला था मुबारक हो, गंदी बात हुई है। अच्छा भाई यहाँ की सिचुएशन हमारी हो चुकी है, और एक नीचे कमेंट आया था एक अदद कि हम व्लॉग में देख रहे होते तो पता नहीं चल रहा होता वीडियो में क्या हो रहा है, लेकिन जब हम वीडियो देखते तो और मज़ा आता है। तो हम व्लॉग में थोड़ी पूरी वीडियो दिखा देंगे भाई। ओ सॉरी माशाल्लाह माशाल्लाह, हम व्लॉग में थोड़ी पूरी वीडियो दिखा देंगे, कोई बात नहीं। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह भाई, अभी हम आ गए फुल खतरनाक लोकेशन पे। चलो भाई ये मुकाबला शुरू हो गया सोनू भाई और मिशकात भाई का। सोनू भाई आप मुकाबला करो ना, डर क्यों रहे हो? अच्छा मारना है भाई फुल। हाँ ये ग्रैपलिंग की, ओह ओह हो हो, ऐसा लग रहा है मुन्ना पागल सोनू भाई, मुन्ना पागल लग रहे हो आप, जो लग रहे हो। अच्छा थप्पड़ ओप्पड़ नहीं मार सकते? नोचना वोचना नहीं होता? नोचना कौन है? ये नोच रहे ना सोनू भाई? सांस फूल गया, बुढ़ा आदमी है ना, बुढ़ा आदमी। क्या हुआ, घबरा क्यों, भाग क्यों रहे इधर? अबे सो मिचकात भी धक्के वक्के नहीं दे, मैं गिरा दें डायरेक्ट। हाँ डायरेक्ट चढ़ जाए ऐसी की तैसी। हाँ चढ़ जाए, अरे कोई नहीं गिराएगा ये तो गिर गया बस, अब गया अबे भाई नहीं कर रहा भाई, हिम्मत है। अच्छा आप आम बार लगा दें, आम बार नहीं नहीं, हाँ यहाँ से घूम के पीछे चले जाए मिचकात भी। एक मिनट अभी करेगा, अभी करेगा। दे दो सोनू भाई, दे दो। शादी भी नहीं हुई है, दे दो सोनू भाई। नहीं दे रहे, कहाँ है टैप आउट का? रेफरी नहीं हुआ, अबे टैप आउट देना है, टैप आउट देना है। अभी भी नहीं हुआ, सोनू भाई पलट जाओ और मुश्कात भी को टैप आउट दिलवा दे। हाँ ये टांग पीछे कर,
टांग भी शेखर मेरे शख्स मुकाबला सख्त हो चुका है हमारा। उठो उठो उठो, हमारा मुन्ना पागल पागल हो चुका। ये क्या हाथ क्यों खोल लिए? जो हारने वाला होता है उसका मुकाबला होता है दोबारा। अबे भाई माफ कर भाई, बिला वजह की इतनी लंबी कर रहे थे, अभी मैं आपको बताता हूँ। सही है, ठीक है, समझ गया। अभी तो थक चुके हैं, वो थक चुके हैं ना, इस वजह से नहीं नहीं इतनी लंबी करनी, थक गए, वजन हल्का हो गया। ये देखो, ये दोगे टैप आउट? दे दो, दे दो। भाई कैसा महसूस हो रहा है आपको? है अभी तो नाक की भी फिक्र नहीं। सुनो, मैं को उठा रहा है। अच्छा ठीक है, चलो अब कैसे, इस तरफ उस तरफ उस तरफ, बचत हो गई। चलिए कोई बात नहीं, अल्लाह बेहतर करेगा दोबारा। चलो मुझसे फाइट होगी, चलो हार मानी के साथ फाइट भी नहीं की, इन्होंने टैप आउट दे दिया, बोले हार मानी है। अबे सोनू भाई क्या कर रहे हो यार, चलो बच्चे की मजे, चलो चलो। अबे भाई चलो भाई, बंदा उठा लिया, अल्हम्दुलिल्लाह बंदा उठा लिया। अच्छा ऐसे गिरते हैं सोनू भाई ने गर्दन में झटका दिया। हाँ असल में सोनू भाई तो पहले से गिरे हुए ना, इस वजह से। कोई बात नहीं कोई बात नहीं कोई बात नहीं कोई बात नहीं, ऐसा होता है भाई, सबके साथ होता है, सबके साथ होता है भाई, कोई मसला नहीं। और किसी ने ऐसे पकड़ लिया फिर क्या करो? दो टैप आउट, दो टैप आउट, दो हार्ट टूट जाएगा बच्चा। छोड़ो टोपी लगा के इसकी वाट ला। मुझे प्राइज में पड़ा है, मुझे प्राइज में मिला है मोबाइल वीवो का। भाई एक और सीक्वेंस हमारी निपटी है, अभी अभी फुल खतरनाक वाला सीन बन रहा है। सीन बताऊंगा तो नहीं, फिर वीडियो देखने में मजा क्या आएगा। खैर कोई बात नहीं, अल्लाह बेहतर करेगा। हाय हाय, चलो भाई फाइनली यहाँ की सीक्वेंस निमट चुकी है, अब हम अगली शूट करेंगे कल, बाकी जो बची है अल्लाह बेहतर करेगा इंशाल्लाह।